जब थोड़ी बड़ी हुई तो बांग्ला मीडियम में पढ़ती थी। जब स्कूल जाती थी तो रिक्शा वाला 400 रुपये लेता था, तो बोलती थी, बापी हम पैदल चले जाएंगे। उसने उस दिन डायरी में लिखा था कि उसे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में गोल्ड मेडल जीतना है। वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी और हमारा ख्याल रखना चाहती थी। याद, किस्से और आंसू। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद उनके माँ बाप के पास अपनी बेटी का बस यही बचा है, आखिरी कॉल और बेटी से मिली ख्याल रखने की हिदायत। हम लोग बहुत लोअर क्लास के आदमी हैं। धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे। 60-65 साल से जितना सब कुछ किया है, एक रात में सब हमारा सपना चूर चूर कर दिया। किसी ना किसी ने तो किया ही है। हम लोग चाहते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सारी दुनिया, देश, हमारा राज, सब यही चाहते हैं कि इंसाफ हो। हम भी यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले। जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि आप एक आदमी के पास जाकर काम करते हैं। जब आप घर से निकलते हैं तो सबको चिंता होती है। जब आप उधर पहुंच जाते हैं और फोन करते हैं कि मैं पहुंच गई हूं, तब दिल में शांति मिलती है। आप भी जानते हैं, लेकिन वहीं ऑन ड्यूटी थी, वहीं उसको गलत काम का सामना करना पड़ा। हमारे जो रिलेटिव हैं और जो रिश्तेदार हैं, हम तो मार्केट में जाते हैं। इधर उधर वो लोग बोलते हैं, एक कपड़े का काम करके लड़की को डॉक्टर बना लिया। मैं बोलता हूँ, हमने नहीं बनाया, उसने कोशिश की, मैंने उसकी थोड़ी मदद की, सारी कोशिश उसी की थी। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, मैं रोज़ दवाएं लेता हूँ। वो रोज़ इस बात की खबर लेती थी कि मैंने दवाई खाई या नहीं। एक दिन मैंने सोचा कि इतने दिन से खा रहे हैं, प्रेशर नॉर्मल है, आज नहीं खाते हैं, कल खा लेंगे। पत्नी ने रात को 11 बजे खाना दिया तो बेटी ने देखा कि मेरी दवाई है ही नहीं। उसने कहा, पापा मेडिसिन जब लेकर आओगे तभी हम खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ऐसी उसकी मेंटेलिटी थी, वो कभी हम पर प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। उसकी शादी की बात हुई थी तो उसने कहा था कि बापी तुम इतना पैसा कहाँ से लाओगे, हम इंतजाम करेंगे, हम भी बापी को रुपया देंगे। कितने दुख की बात है कि आज ये सब बात एक पिता को बोलनी पड़ रही है। जब मेरी बेटी 5 साल की थी तो उसे अनार बहुत पसंद थे। जब एक बार अनार की दुकान के पास से गुजर रहे थे तो बोली, बापी पूजा के लिए फल नहीं लेंगे, कभी नहीं बोला खरीदने के लिए। उसने बचपन में कभी एक बर्तन नहीं तोड़ा। बचपन में रास्ते में खड़ी रहती थी और जब टीचर आती तो उसके गोद में स्कूल जाती। जब थोड़ी बड़ी हुई तो बांग्ला मीडियम में पढ़ती थी। जब स्कूल जाती थी तो रिक्शा वाला 400 रुपये लेता था, तो बोलती थी, बापी हम पैदल चले जाएंगे। लास्ट याद क्या है आपकी, अपनी बेटी के साथ क्या बात हुई थी कुछ? गुरुवार रात 11 बजे उसने मुझे कॉल किया और कहा, माँ मैं अपना खाना पैक करवा रही हूँ। मैंने पूछा, तुम क्या खा रही हो? उसने कहा, मैंने कुछ रुमाली रोटी और चिकन भरता ऑर्डर किया है। कुछ और भी कहा था, मुझे याद नहीं है। मैंने कहा कि तुमने चावल ऑर्डर नहीं किए? उसने कहा कि क्योंकि सभी का मन यही था इसलिए मैंने यही लिया। मैंने उससे कहा कि अपना खाना जल्दी से खा लो, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। उसने कहा, मेरे बाकी साथी भी आ रहे हैं इसलिए आप लोग खाना खा लो, इस बात का ख्याल रखना कि पापा दवा समय से ले ले, मेरी चिंता मत करो। बस उसी समय हमने बात की। अगले दिन उसका फ़ोन बजता रहा। जिस रात हमने बात की थी उसने उस दिन डायरी में लिखा था कि
कि उसे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में गोल्ड मेडल जीतना है। वो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी और हमारा ख्याल रखना चाहती थी। उसे स्किन केयर करना था और एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी चाहती थी। डिनर करने के बाद उसने ये सब अपनी डायरी में लिखा था। ऐसे ही भी बातें चल रही थी कि उनकी शायद एंगेजमेंट हुई थी। नहीं, एंगेजमेंट नहीं हुआ था, बात बस थोड़ी बढ़ी थी, 90% बात हो गई थी। अब तो बंगाली आदमी है, बंगाली आदमी अपनी लड़की की शादी के लिए बहुत कुछ सोचता है। ये बोलने से ही मुझको बहुत दुख होगा। क्या आप लोगों ने ये सोचा था कि इसके साथ जो ब्रूटेलिटी जो आप लोगों ने देखी अपनी बेटी के साथ, इस बारे में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जब वहाँ जाकर देखा तो पता लगा, कोई भी देखेगा तो पता चल जाता है कि क्या हुआ है। हम बोल नहीं पाएंगे। कोई ऐसी चीज जो आपको याद आता है बहुत ज्यादा अपनी बेटी के बारे में? क्या बोलें इस बारे में, हर जगह मेरी लड़की है। जिस घर में वो रहती थी हम उस घर में नहीं जा पा रहे हैं, बहुत दुख है। जहाँ घूमो वहीं वो दिखती है। हमारी तो एक लड़की है, 62 साल हो गए। 20 साल में जो उसने परिश्रम किया, मुझे नहीं पता आपको इस बारे में पता है या नहीं। साल 2011 में वो 3:30 बजे तक पढ़ाई करती थी। वो चैलेंज करती थी कि उसे कोई हरा नहीं सकता। वो आपको फाइनेंशियली कोई मदद वदद भी करती थी? हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम बोलते थे नहीं नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। हम उसे गाड़ी खरीदने के लिए 1 साल से बोल रहे थे। वो बोलती थी कि नहीं नहीं भाभी, अभी रुको, थोड़ा देखते हैं क्या करते हैं। कोविड के दौरान इधर जो सेफ होम क्लब बनाया था उसके अंडर चलता था। यहाँ जो म्यूनसिपैलिटी का स्वास्थ्य केंद्र था वो भी वही संभालती थी। बुजुर्ग आदमी जो 80-85 साल के थे वो आते थे उसके पाँव छूने। आप भगवान हैं, हमें बचाकर घर में भेजा है। अब बहुत से मरीज आकर कहते हैं डॉक्टर दीदी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये अच्छा नहीं लगता बोलने में, लेकिन बोलना पड़ रहा है। आप लोग मेरे साथ हैं, सारी दुनिया में बता दिया कि उसके साथ गलत काम हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। आप लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, आप मेरी बेटी के समान हैं। अपनी बेटी को तो धन्यवाद कह नहीं पाया।